हमीरपुर जिला के सुजानपुर में अनुसूचित जाति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। सम्मेलन के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को रिकॉर्ड मतों से पांचवी बार जीत दिलाने के साथ साथ विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राणा को जीत दिलवाने का आह्वान किया गया। सम्मेलन में एससी मोर्चे ने 10% से अधिक मत भाजपा को दिलाने का संकल्प लिया। सुजानपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष जोगेंद्र ने पूर्व मुख्यमंत्री धूमल का स्वागत करते हुए कहा कि एससी वर्ग के उत्थान के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को चंदन से परिभाषित करते हुए कहा कि जो उनके सानिध्य में आते हैं वो भी चंदन बन जाते हैं। जमुना इकट्ठी हो गई है, एक गरीब का भी इसे गंगा जमुना में डुबकी लगाने का मौका देना और हम सब मिलकर काम करेंगे। इसमें हमें तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। देखो चंदन के बगीचा, चंदन का बगीचा लग चुका है, ध्यान करना इस बात को। चंदन के बगीचे में अगर आम का पौधा भी लग जाए तो वो भी चंदन हो जाता है। अगर उसमें बांस का पौधा लगे तो वो चंदन नहीं होता है, क्यों? उसमें पोल होती है। जब वो फटने की कगार में आता है तो तड़ा तड़ होती है, फटाके दूर दूर तक रहते हैं। तो मन में पोल नहीं होना चाहिए, पोल मन से निकाल दो। और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, थोड़ा सा राहुल गांधी के बोलों के साथ बोलूंगा मैं। बाय बाय टाटा खत्म। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने अपने संबोधन के दौरान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने केवल शिमला से संबंधित जिला के लोगों को ही प्राथमिकता दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमीरपुर जिला से संबंधित कैबिनेट रैंक प्राप्त व्यक्ति ने 1.5 साल में करोड़ों रुपए के काम शुरू कर दिए। जो अच्छा इंसान है उसका सब सम्मान करते हैं, इसलिए हम अच्छे इंसान बने, ये सबसे महत्वपूर्ण है। चुनाव चल रहे हैं, मैं सीधा उस पर आ रहा हूं। और आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी सिंह जी, जो कि पांचवी बार चुनाव लड़ रहे हैं, और कल भी चर्चा हुई थी, मैंने भी कहा था कि पिछली बार जो मार्जिन था वो 4 लाख था, इस बार जो मार्जिन है वो पांचवी बार लड़ रहे हैं, इसलिए 5 लाख पार होना चाहिए। हमारे देश के चमकते हुए सितारा हैं, आप मीडिया में भी देखते हैं, उनका काम भी देखते हैं, किस तरीके से अपने पार्लियामेंट के लोगों की सेवा कर रहे हैं और देश में भी जगह जाके देश की भी सेवा कर रहे हैं। नौजवान हैं, आने वाला भविष्य है, इसलिए जितनी ताकत आप लोग देंगे, जितनी बढ़त आप यहां से देंगे, उतना ही कादुर का बढ़ेगा और दिल्ली में जाके एक मजबूत विभाग लेके देश की सेवा और इस पार्लियामेंट की और प्रदेश की सेवा करेंगे।